दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन पेस्ट और उसके साथ में हम व्हाइट पेस्ट भी बनाएंगे। और उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। दो लहसुन लेंगे, 3 टुकड़ा अदरक लेना है, 15 हरी मिर्च लेंगे और हरा धनिया लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेना है, 10 काजू लेंगे। इसे हम रात भर पानी में भिगा के रखेंगे। 1 टेबल स्पून हमें सफ़ेद तिल लेना है, इसे भी पानी में भिगाना है। खसखस लेंगे 1 टेबल स्पून, इसे भी पानी में सोक करना है। और चारोली लेंगे 1 टेबल स्पून, इसे भी हमें पानी में रखना है। मैं पहले हम ग्रीन पेस्ट तैयार करेंगे। मैं ये टुकड़े करूंगी अदरक के। और हम पहले मसालों को धो के लेंगे। कटोरी में मैंने पानी लियो, मैं सारे मसाले इसमें डालते जाऊंगी। हमें अच्छे से वॉश करके लेना है पहला। साथ में हरा धनिया भी डाल दूंगी। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद मिक्सी पॉट में इसे डालेंगे हम। मसाला पीसते वक्त हमें पानी नहीं डालना है। इसे जितना आप सूखा पीसेंगे उतना मसाला आपका ज्यादा दिन टिकेगा, खराब नहीं होगा। तो जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। सारी चीजें मैं मिक्सी पॉट में डाल दूंगी अभी। और इसका एक फेरा लेके मैं आपको बताती हूँ। मसाले का हमारा एक फेरा हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसे आप देख सकते हैं, ये दरदरा पीसे गया है। इसे चम्मच से हम फिर से मिला देंगे, एक साथ में करेंगे, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिला है। मैं इसमें 1 चम्मच के करीब पानी मिलाऊंगी। और हम इसे फिर से पीसेंगे, बारीक पीसना है अभी। ग्रीन पेस्ट हमारा पीस के तैयार हो चुका है। मैंने इसे काफी बारीक किया है। मैं इसे कटोरी में निकालूंगी। और इसमें आप बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं, या फिश की हो, या चिकन हो, या मटन हो, या वेज हो, हर इसमें आप यूज कर सकते हैं इसे। और इस तरीके से पीसने से आप ज्यादा से ज्यादा इसे स्टोर कर सकते हैं 15 दिन के लिए। ये मसाला खराब नहीं होगा। ग्रीन मसाला हमारा तैयार है। अभी हम व्हाइट पेस्ट बनाएंगे। मैंने एक कटोरी ली, उसके ऊपर जाली रखी हूँ, छन्नी। इसके अंदर पहले मैं खसखस ऐड करूंगी। हमें इन सारी चीजों को धो के लेना है। साथ में तिल डालूंगी, व्हाइट तिल। और इसमें हम पानी डाल के इसे धो के लेंगे। इस तरीके से। और एक 5 मिनट के लिए इसे ऐसे रखेंगे, पूरा पानी निकलने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा खसखस और तिल का पानी पूरा निकल चुका है। इसे हम मिक्सी पॉट में डालेंगे। फिर से हम वही कटोरी लेंगे, जाली रखेंगे इसके ऊपर। इसके अंदर मैं चारोली ऐड करूंगी और साथ में काजू भी डालेंगे। इसे भी धो के लेना है हमें अच्छे से। फिर से मिक्सी पॉट लूंगी मैं। ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दूंगी। अभी हम इसका फेरा लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 1 चम्मच के करीब हमें पानी मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाएंगे हम। इसे भी हमें सूखा ही पीसना है। और इसे बारीक पीस के लेंगे।
व्हाइट पेस्ट भी हमारा पीस के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने पूरा बारीक किया है, इसे हम कटोरी में निकालेंगे। इसे भी हमें सूखा ही पीसना है, पूरा कम पानी डाल के ही पीसना है। ऐसे पीसने से ज्यादा दिन अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। और इसमें आप हर किस्म का कोरमा बना सकते हैं, चाहे वेज हो, फिश हो, या मटन या चिकन। और आप फ्राई में भी यूज कर सकते हैं इसे, जिसे मलाई और दही से मच्छी में प्रॉब्लम हो जाती है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये पेस्ट को। दोनों मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं, ग्रीन पेस्ट भी और व्हाइट पेस्ट भी। जितनी आपकी सालन की क्वांटिटी रहेगी उस हिसाब से आप मसाले ऐड कीजिए। और आज का तरीका आपको पसंद आए मसाले बनाने का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।